कांग्रेचुलेशंस, बिजनेस ओनर ऑर्डर करके आपने सफलता की जो पहली सीढ़ी है उसे चढ़ ली। अब आपके पास है बिजनेस ओनर द मोस्ट पावरफुल वेल्थ बिल्डिंग सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, ध्यान से देखिए क्योंकि आने वाले कुछ मिनट आपकी जिंदगी बदल के रख देंगे। बिल्कुल, अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगा टीवीसी बिजनेस एक्सपर्ट टीम हेड समीर जी को। कृपया जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिएगा। वेलकम ऑन द शो। गुड आफ्टरनून पवन जी। हाय। हेलो अमृता जी। आइए आप। गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि मिस्टर समीर पिछले 10 सालों से टीवीसी के 24/7 कॉन्ट्रैक्ट सेंटर के हेड हैं, जहां ये टीवीसी के 500 से ज्यादा डेडिकेटेड एक्सपर्ट्स की टीम को लीड करते हैं। भाई जोरदार तालियां इस बात पर। थैंक यू अमर। अब मैं स्टेज पर बुलाना चाहूंगी श्री महेश जी को, जिन्होंने हजारों लोगों की जिंदगी बदल दी है। वो लोग जो कभी चंद रुपए के लिए भी मोहताज थे, आज महेश जी की बदौलत बिजनेस ओनर बनकर कमा रहे हैं लाखों रुपए और जी रहे हैं एक खुशहाल जीवन। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। जो बिजनेस ओनर्स यहाँ पर मौजूद हैं और जो बिजनेस ओनर्स घर से हमें देख रहे हैं, मैं आप सभी को रिक्वेस्ट करता हूं कि कृपया आपके जो मोबाइल फोन्स हैं बिल्कुल बंद कर दीजिएगा प्लीज। आप देख रहे हैं बिजनेस ओनर द मोस्ट पावरफुल वेल्थ बिल्डिंग सिस्टम। आने वाले 2 घंटे आपकी जिंदगी बदल कर रख देंगे, तो बहुत ध्यान से देखिए बिजनेस ओनर की हर DVD को बताए गए क्रम के अनुसार शुरू से लेके आखिर तक। पहले दिन सिर्फ 4 DVD देखिए, अगर समझ में ना आए तो दोबारा देखिए, और दूसरे दिन 7 आई हुई बिजनेस ओनर जर्नल्स को पढ़ें। अगर आप हमारे बताए गए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे तो साइंटिफिकली डिजाइन ये सिस्टम आपकी जिंदगी बदल के रख देगा। अब आप भी कमा पाएंगे बहुत सारे रुपए, बहुत सारे पैसे, और कर पाएंगे अपने सारे सपने साकार। हम सभी जानते हैं कि जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत होती है पैसा। आप कितने भी पढ़े लिखे और इंटेलिजेंट क्यों ना हो, बड़ी डिग्री होने के बावजूद एक अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी ना हो तो आपको सक्सेसफुल नहीं माना जाता। शादी ब्याह में सबसे पहले आपकी आर्थिक स्थिति को ही देखा जाता है। अच्छी संपत्ति हो तो आपकी पसंद की लड़की से शादी होने के अवसर बढ़ जाते हैं। पैसे वालों की ही रिश्तेदारों और समाज में इज्जत होती है। धनवान व्यक्ति को ही लोग समझदार मानते हैं और उसी की बातें सुनना भी चाहते हैं। एक पुरानी कहावत है कि पैसा पैसे को खींचता है, और ये एक हद तक सच भी है। इसलिए धनवान लोग और धनवान बनते जाते हैं, और निर्धन इंसान पूंजी के अभाव में जिंदगी भर कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी गरीब ही रहते हैं। जिसके पास पैसा होता है वो पैसे के बल पर नए नए व्यापार शुरू करते हैं, मुनाफा कमाते हैं और पैसे वाले बन जाते हैं। बैंक भी पैसे वालों को ही लोन देना चाहता है, तो भैया एक आम आदमी क्या करे, क्या करे? बड़ा उद्योग लगाने के लिए चाहिए तजुर्बा और बहुत सारे पैसे। तो जिसके पास बहुत सारा पैसा नहीं है, क्या वो कभी पैसा नहीं कमा पाएगा? और धन के अभाव यूं ही अपनी ख्वाहिशें दबाकर एक मायूस सा जीवन जिएगा, क्या ये होगा? हर इंसान को सुबह होते ही चाहिए पैसा। कहीं जाना है, पेट्रोल के लिए चाहिए पैसा, बिजली बिल, घर का मेंटेनेंस बिल, मोबाइल बिल, रेस्टोरेंट बिल, इंश्योरेंस बिल, किराना बिल, बच्चों के स्कूल की फीस का बिल, क्रेडिट कार्ड बिल, घर या गाड़ियों का EMI का बिल, बिल 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 हर तरह। और इन सब बिल्स को भरने के लिए चाहिए बहुत सारा पैसा। शादी हो या बर्थडे पार्टी, होली हो या दीपावली, या फिर रक्षाबंधन, सबके लिए चाहिए पैसा। और पैसे के बिना हर तीज त्योहार सूना लगता है। सच, इस मॉडर्न लाइफ में हमारी जरूरतें बहुत बढ़ गई हैं। मोबाइल फोन्स, लैपटॉप, अच्छे कपड़े, गाड़ी, ये सब अब लग्जरी नहीं है, मॉडर्न लाइफ की जरूरतें हैं। और सोसाइटी और समाज में अपना स्टेटस मेंटेन करने के लिए हम सभी को चाहिए अच्छा घर, उसकी फर्निशिंग, बच्चों के अच्छे स्कूल में एडमिशन, और इन सब के लिए चाहिए बहुत सारा पैसा। इसलिए हर इंसान पैसे के पीछे भाग रहा है और पैसे उसके आगे।
जिस हिसाब से खर्चे और महंगाई बढ़ती है उतनी स्पीड से आमदनी नहीं। हर क्षेत्र में कंपटीशन बढ़ता जा रहा है और पैसे कमाना और भी मुश्किल होता जा रहा है। आमदनी होना हो सबके खर्चे बंधे हुए हैं, इसलिए लोग कर्ज के जाल में फंसते जा रहे हैं। ज्यादातर लोग कर्ज के इस चक्रव्यूह में अटके हुए हैं और बहुत कम लोग बहुत सारा पैसा कमाकर इसे तोड़ पाते हैं। जी हां, अब इस बात को ध्यान से सुनिए। दुनिया की 90% दौलत सिर्फ 5% लोगों के पास है। ये लोग जो चाहे खरीद सकते हैं, महंगी से महंगी गाड़ियां, प्रॉपर्टी, बड़े बड़े बंगले, इनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है। कौन है ये लोग? दे आर द बिजनेस ओनर्स। ये 5-star होटल्स में हॉलीडेज मनाते हैं, लेकिन इनका बैंक बैलेंस बढ़ता ही रहता है। क्या है इनकी सफलता का राज? सीक्रेट है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। हजारों लोग इनके लिए दिन रात काम करते हैं, इनका बिजनेस एम्पायर बढ़ाने के लिए। इन 5% लोगों को मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यानी सफलता का मंत्र बहुत पहले समझ में आ गया था। जितने ज्यादा लोग उतना बड़ा व्यापार और उतना ही ज्यादा मुनाफा। तो याद रखिए, द पावर ऑफ 5। कुछ ही देर में आप भी सीख लेंगे बिजनेस ओनर की मदद से पावर ऑफ 5 का सीक्रेट। बिजनेस ओनर से लाखों लोगों की जिंदगी बदली है, अब आपकी बारी। जी अमन जी, आपने सही कहा, इस बिजनेस से हम सबकी जिंदगी बदल सकती है। मेरा नाम मनीष है, मैं लखनऊ शहर का रहने वाला हूँ। मैं पहले बहुत गरीब था, मैं एक प्लम्बर हूँ। दिन भर काम करने के बाद भी मुश्किल से मुझे 300-400 रुपए ही मिलते थे। महीने में 10-12 दिन तो काम भी नहीं मिलता था। पैसों को लेकर मैं बहुत परेशान था। शॉपिंग मॉल को देखकर मैं सोचता था कि कैसे लोग अपने परिवार के साथ पैसा खर्च करते हैं। मुझे तो अंदर जाने से भी डर लगता था। मेरे बच्चों की छोटी छोटी ख्वाहिशें, जैसे कोई अच्छी पिक्चर देखना या फिर खिलौने, जिसे मैं पूरा नहीं कर पाता था। और मैं ईश्वर से पूछता था कि क्या मेरा भी परिवार, मेरे परिवार का भी जीवन ऐसे ही घुट घुट कर गुजरेगा। सच बताऊं तो पैसे का महत्व वही समझ सकता है जिसके पास पैसा नहीं होता। लेकिन भगवान ने मेरी सुन ली। अखबार में मैंने बिजनेस ओनर का एक इश्तिहार देखा और ऑर्डर कर दिया। यह जानकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि टीवी से बिजनेस शुरू करने के लिए आर्थिक मदद करती है, वो भी बिना किसी शर्तों के। मैंने 5 श्री अद्भुत हनुमान चालीसा यंत्र लेकर मैंने अपना टीवीसी रिटेल बिजनेस शुरू कर दिया और ऐसा लगा जैसे साक्षात बजरंग बली जी ने मेरे सर पर हाथ रख दिया। पिछले साल मैंने करीब 6 लाख रुपए कमाए। क्या बात है मनीष जी के लिए, 2 लाख। तो मनीष जी, अब तो पिक्चर देखने जाते हैं ना आप परिवार के साथ? बिल्कुल सर, अब तो मैं शॉपिंग मॉल में शॉपिंग भी करने जाता हूँ, मल्टीप्लेक्स में मूवी भी देखने जाता हूँ और रेस्टोरेंट में मैं डिनर भी करने जाता हूँ। बहुत खूब, बहुत खूब। आप सबको चिंता करने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आपके पास है बिजनेस ओनर द मोस्ट पावरफुल वेल्थ बिल्डिंग सिस्टम। अब आप भी कमा पाएंगे अपने काम और जरूरत के हिसाब से जितना चाहे उतना पैसा। मैं स्कूल में टीचर हूं, बच्चों को अच्छी शिक्षा देता हूं, लेकिन मेरी तनख्वाह सिर्फ 12,000 रुपए है, जो इस महंगाई में मेरे परिवार के राशन और कुछ अन्य जरूरी चीजों में खर्च हो जाती है। उसके बाद पूरे महीने मुझे और मेरे परिवार को बहुत छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना पड़ता है। एक शिक्षक होने के बावजूद इस समाज में मेरी कोई इज्जत नहीं है, मुझसे कोई मिलना ही नहीं चाहता। सच पूछिए तो पैसों के अभाव में मेरा जीवन ही अभिशाप बन चुका है। पूरी जिंदगी मैं पढ़ाता रहा, लेकिन जिंदगी का यह गणित मैं समझ नहीं पाया। महेश जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि यह बिजनेस ओनर क्या मेरे जीवन में कोई बदलाव लाएगा? बिल्कुल, आपका भी जीवन बदलने वाला है। आप इसलिए यहां आए हैं ना? बिजनेस ओनर सभी के लिए काम करता है और आपके लिए भी काम करेगा।
आप एक टीचर है, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप मानते हैं कि पैसा पैसे को खींचता है वाली कहावत सच है? महेश जी, ये बात तो सही है कि गरीब आदमी को कोई भी पैसा देना नहीं चाहता है। तो जब किसी गरीब आदमी को कोई पैसा देगा ही नहीं तो जीवन में क्या कर पाएगा? और इसीलिए ये कहावत भी सही लगती है कि पैसा ही पैसे को खींचता है। तभी तो एक गरीब आदमी गरीबी में पैदा होता है और गरीबी में ही मर भी जाता है। मास्टर जी, आप एक तरह से सही भी हैं और गलत भी। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में बहुतों को पैसा विरासत में मिला था, मैं इस बात को मानता हूँ। लेकिन इनमें से बहुत सारे लोग सड़कों से उठकर अमीरी की शिखर तक पहुँचे हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं, जैसे कि आईफोन बनाने वाले मशहूर कंपनी एप्पल के मालिक स्टीव जॉब्स बचपन में कई बार भूखे पेट सोए थे। उनके पास ग्रेजुएशन करने के लिए भी पैसे नहीं थे। इसी तरह दुनिया की सबसे बड़ी फिनेंस और इंश्योरेंस कंपनी के मालिक वॉरेन बफेट 11 वर्ष की उम्र में सुबह बर्फीली ठंड में घर घर जाकर अखबार डाला करते थे। इसी तरह हमारे रिलायंस इंडस्ट्रीज के धीरूभाई अंबानी जी, उन्होंने अपने जीवन की शुरुआत क्लर्क की एक मामूली सी नौकरी से की थी। इन सब का जन्म बहुत ही निर्धन परिवार में हुआ था, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। अपना व्यापार तो क्या, पढ़ने के लिए भी इनके पास पैसे नहीं होते थे, जो इन सब के लिए वरदान साबित हुआ। धन की इसी अभाव ने इन सब में पैसा कमाने का जो जुनून है उसे पैदा कर दिया और इन सब ने सभी अमीरों को पीछे छोड़ते हुए इतिहास रच डाला। इनकी तरह आपके पैसे कमाने की जो चाह है वो आपको यहां खींच कर लाए। वो कहते हैं ना कि अगर आप किसी चीज को पाने का लक्ष्य अपने दिल की गहराइयों से चाहने लगे तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने में जुट जाती है। मैंने सभी सफल व्यक्तियों की जीवनी पढ़ी है तो पाया कि इन सभी सफल व्यक्तियों में दो बातें कॉमन थी। पहला, पैसे कमाने का जुनून और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। इन्होंने अकेले ही बहुत कम पैसों से अपना व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे लोगों को अपने बिजनेस में जोड़ा। लोग जुड़ते गए और इनकी ताकत बढ़ती गई। टीम वर्क और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की मदद से ही इन्होंने अपना बिजनेस एम्पायर क्रिएट किया। कोई भी दोस्त रिश्तेदार बिजनेस शुरू करने के लिए पैसा नहीं देते हैं और बैंक भी सिर्फ सक्सेसफुल लोगों को ही कर्ज देता है। आप मुझे ही देख लीजिए, नासिक के एक छोटे से गांव में बहुत ही गरीबी में पैदा हुआ था। पैसों के इसी अभाव ने मेरे अंदर धनवान बनने का जुनून पैदा कर दिया। मैं भी आप ही की तरह परेशान था कि बिना पूंजी के मैं क्या करूं, किस तरह अपना व्यापार शुरू करूं। फिर टीवीसी के बिजनेस ओनर के बारे में पता चला। टीवीसी पहली कंपनी है जो बिजनेस करना भी सिखाती है और वित्तीय सहायता भी देती है। यकीन नहीं हुआ, टीवीसी के बिजनेस एक्सपर्ट से बात की तो उन्होंने मेरा हौसला बढ़ा दिया। फिर क्या था, मैंने राशि रत्न खरीद कर अपना टीवीसी रिटेल बिजनेस शुरू कर दिया। मैंने खुद ही राशि रत्न पहना और मेरा हर काम बनने लगा। दोस्तों ने मेरे उंगली में राशि रत्न देखकर पूछना शुरू किया, कुछ ने खरीदा और मेरे टीम में शामिल हो गए। फिर क्या, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर काम करने लगा। मेरे दोस्तों ने भी अपने दोस्तों को राशि रत्न के बारे में बताया। देखते देखते मेरी टीम तेजी से बढ़ने लगी। टीवीसी के बिजनेस एक्सपर्ट ने मेरा और मेरे टीम का हर कदम पर साथ दिया। हम सभी ने मिलकर पूरे जुनून के साथ काम किया। आज मेरा बिजनेस पूरे हिंदुस्तान में फैल गया है। मेरी टीम में 3000 से भी ज्यादा लोग हैं। बिजनेस ओनर की यही खासियत है, पैसे कमाने के साथ साथ मैंने सफलता का मंत्र भी सीख लिया है कि आप दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए काम करें, आपकी जिंदगी अपने आप ही बेहतर बनती जाएगी। अब आप अकेले नहीं है, आपके साथ है 500 से भी ज्यादा बिजनेस एक्सपर्ट्स की टीम जो आपके साथ काम करती है 24 घंटे साल के 365 दिन। टीवीसी कॉन्टैक्ट सेंटर में काम कर रही मेरी पूरी टीम का सिर्फ एक ही मकसद है, आपको सक्सेसफुल बिजनेस ओनर्स बनाना। आपको कोई भी परेशानी हो या फिर चाहिए हो टीम का जोश, तो आप हमें हमेशा पाएंगे अपने साथ, रेडी टू हेल्प 24/7। आपके साथ है बिजनेस ओनर्स, द मोस्ट पावरफुल वेल बिल्डिंग सिस्टम एंड टीम टीवीसी। अब आप भी कमा पाएंगे अपने काम और जरूरत के हिसाब से जितना चाहे उतना पैसा। यस, यू कैन टू। नमस्कार समीर जी, मेरा नाम संजय बैनर्जी है और मैं आपसे जानना चाहता हूं
कि कौन कौन बन सकता है बिजनेस ओनर। एनीवन, आप कोई भी हो, एम्प्लॉय, शॉप ओनर, प्रोफेशनल, डॉक्टर, लॉयर, टीचर, स्टूडेंट, मार्केटिंग एंड सेल्स पर्सन, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, सीनियर सिटीजन और सबसे इंपॉर्टेंट, घर संभालने वाली होममेकर। ये रेवोल्यूशनरी सिस्टम आप सभी के लिए काम करता है। बस आप में चाहिए अपना बिजनेस शुरू करने का पैशन। इस सिस्टम में साइंटिफिकली बताए गए स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके आप खुद का बिजनेस घर से ही पार्ट टाइम शुरू कर सकते हैं, थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम के लिए, या फिर फुल टाइम इन्वॉल्व होकर कमा सकते हैं बहुत सारा पैसा और फाइनेंशियल फ्रीडम। नमस्कार अमृता जी, मेरा नाम मंजीत सिंह है, मैं चंडीगढ़ सरदा रहने वाला हूँ, गड्डी चलाता हूँ जी, बहुत ही गरीबी में जीवन जीता हूँ जी, और बिजनेस का कोई तजुर्बा भी नहीं है, पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ, तो क्या मैं भी बिजनेस ओनर बनकर पैसा कमा पाऊंगा? जी हाँ, आप बिजनेस ओनर बनकर बिल्कुल पैसा कमा सकते हैं। आप में होना चाहिए पैसा कमाने का जज्बा। आपके लिए बिजनेस ओनर ट्रक चलाने जैसा ही आसान है। जैसे कि आपने बिना किसी डिग्री के या किसी तजुर्बे के ट्रक चलाना सीख लिया और आपको लाइसेंस भी मिल गया, इज़न्ट दैट राइट? ठीक उसी तरह बिजनेस ओनर की मदद से अब आप अपनी जिंदगी की गाड़ी बहुत बेहतर तरीके से चला पाएंगे और कमा पाएंगे अपने परिवार के लिए बहुत सारा पैसा, है ना मंजीत जी? शुक्रिया जी, शुक्रिया जी। आप में होना चाहिए सिर्फ पैसा कमाने का जुनून। इंडीड, बिजनेस ओनर सिस्टम में है टीवीसी के 15 सालों के व्यापार का तजुर्बा। दुनिया के सफल उद्योगपतियों का मंत्र है मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, जितने ज्यादा लोग उतना बड़ा व्यापार और उतना ज्यादा पैसा। अब आपके साथ भी है टीवीसी के 500 से भी ज्यादा बिजनेस एक्सपर्ट्स की टीम, जो 24 घंटे काम करती है आपको एक सफल बिजनेस ओनर बनाने के लिए। आप भारत के किसी भी छोटे कस्बे में हो, गांव या शहर में, बिजनेस ओनर द मोस्ट पावरफुल वेल्थ बिल्डिंग सिस्टम की मदद से अब आप भी कमा सकते हैं अपने काम और जरूरत के हिसाब से जितना चाहे उतना पैसा। नौकरी में आप खुद काम करते हैं, आपके लिए कोई काम नहीं करता और इसीलिए आपकी इनकम भी लिमिटेड होती है। यही बात छोटे व्यवसाय जैसे रेस्टोरेंट, मेडिकल स्टोर, ब्यूटी पार्लर, किराना स्टोर, कपड़े की दुकान पर भी लागू होती है। प्रोफेशनल्स जैसे डॉक्टर्स, वकील, आर्किटेक्ट, इंश्योरेंस एजेंट बड़ा पैसा नहीं बना पाते क्योंकि वो खुद काम करते हैं और उनका व्यापार भी एक हद तक ही बढ़ पाता है। कोई भी व्यापार छोटा नहीं होता, चाहे चाय की दुकान हो, चाट पकौड़ी की या फिर किराने की, इनसे भी आदमी करोड़पति अरबोंपति बन सकता है। जरूरी है सफलता का मंत्र यानी के मल्टीप्लिकेशन फैक्टर को समझना और अपने बिजनेस में उसका उपयोग करना। मैकडॉनल्ड्स, स्टारबक्स और वॉलमार्ट ने इस बात को समझा और छोटे दिखने वाले इन व्यवसायों को पूरी दुनिया में फैला दिया। हजारों लाखों लोग रात दिन इन कंपनियों के लिए काम करते हैं और इन्हीं लाखों लोगों की वजह से आज ये कंपनियां दुनिया की 500 सबसे बड़ी कंपनियों में गिनी जाती हैं। बिजनेस ओनर सिस्टम में यही मल्टीप्लिकेशन फैक्टर काम करता है। आप व्यापार शुरू करते हैं और लोग आपके साथ जुड़ते चले जाते हैं और देखते ही देखते वो हो जाता है जो नौकरी में पूरी जिंदगी भर काम करने के बाद भी बहुत ही मुश्किल है। आप में से बहुत से लोग जानते होंगे इंफोसिस के फाउंडर श्री नारायण मूर्ति नौकरी मांगने के लिए विप्रो में गए थे लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली और मजबूरन खुद उन्हें अपनी कंपनी इंफोसिस की शुरुआत करनी पड़ी। आज सभी जानते हैं कि इंफोसिस आज हजारों करोड़ रुपए की कंपनी है। क्या श्री नारायण मूर्ति नौकरी करते हुए इतना बड़ा मुकाम हासिल कर सकते थे? बिल्कुल नहीं। नारायण मूर्ति जी की सफलता का कारण बना अपना खुद का बिजनेस और मल्टीप्लिकेशन फैक्टर। अमन जी, मेरा नाम रेखा गुप्ता है, मैं गृहिणी हूँ। स्कूल के बाद मैंने पढ़ाई नहीं की और फिर मेरी शादी हो गई। मुझे इंग्लिश भी बहुत कम आती है और मेरे पास कोई और डिग्री भी नहीं। मार्केटिंग मेरे बस की बात नहीं है और बिजनेस कॉम्प्लिकेशन से मुझे डर लगता है। क्या मैं बन सकती हूँ एक सफल बिजनेस ओनर? सबसे पहले डर को अपने मन से निकाल बाहर कीजिए। आप एक सफल गृहिणी हैं, होममेकर हैं
आप अपने पति की लिमिटेड इनकम में अपना घर चलाती हैं। घर का बजट बनाना, सोच परख कर चीजें खरीदना, पैसों का हिसाब किताब रखना, बच्चों की स्कूल फीस और अपने छोटे से बजट पे परिवार की सारी जरूरतों को पूरा करना किसी व्यापार से कम है क्या? पूरी दुनिया में औरतें मर्दों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं, जॉब या अपना बिजनेस करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं। लेकिन भारत में करीब 30 करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं ऐसी हैं जो पढ़ी लिखी हैं पर जॉब या अपना बिजनेस नहीं करती, और पैसों के लिए उन्हें अपने परिवार पर निर्भर होना पड़ता है। आप एक प्यारी बेटी हैं, अच्छी बहन हैं, केयरिंग वाइफ हैं, रिस्पॉन्सिबल मदर हैं, तो एक सक्सेसफुल वुमन एंटरप्रेन्योर क्यों नहीं? अब आपको भी बनना है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट और परफेक्ट वुमन से एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन। आपके साथ है भारत की नंबर वन डायरेक्ट टू कंज्यूमर कंपनी टीवीसी, और अब आप भी बन पाएंगी एक परफेक्ट हाउसवाइफ के साथ साथ एक सक्सेसफुल वुमन एंटरप्रेन्योर भी। इतना ही नहीं, अगर आपके पास अपने बिजनेस को शुरू करने के लिए पूंजी की समस्या है तो टीवीसी उपलब्ध करा रही है अपने पहले 1,00,000 जरूरतमंद लोगों को वित्तीय सहायता भी, वो भी बिना किसी शर्तों के। बिजनेस ओनर बनते ही पहले दिन से ही सफलता का मूल मंत्र मल्टीप्लिकेशन फैक्टर आपके लिए काम करने लगता है, और बहुत ही कम समय में एक सफल बिजनेसमैन बनकर आप भी कमा पाएंगे जितने चाहे उतने पैसे। कमाल है। मेरा नाम किरीट जोशी है, और रेखा जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप बहुत ही खुशनसीब हैं कि आपके पास समय और उम्र दोनों साथ हैं। मुझे देखिए, मैं 65 साल का हूं। नौकरी से रिटायर होते ही ऐसा लगा कि मैं जीवन से ही रिटायर हो गया हूं। बच्चे बड़े हो गए हैं और उनकी अपनी जिंदगी है। मेरी पत्नी पूजा पाठ और धार्मिक कार्य में व्यस्त हो गई है। घर में अकेलापन काटने को दौड़ता था। मैं हमेशा किसी ऐसे व्यक्ति की तलाश में रहता था जो मुझसे बात करके मेरा अकेलापन दूर कर सके। फिर एक दिन अखबार में बिजनेस ओनर का ऐड देखा। कई सालों से मैं टीवीसी के ऐड देखता आ रहा हूँ। टीवीसी के साथ बिजनेस करने का मौका जब मैंने अखबार में देखा तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया और नेचुरल एसेंशियल पैक खरीद कर टीवीसी बिजनेस ओनर बन गया। बच्चों ने मजाक भी उड़ाया, पापा इस उम्र में बिजनेस? लेकिन नेचुरल एसेंशियल पैक के प्रोडक्ट्स और पैकेजिंग देखकर तो सभी आश्चर्यचकित हो गए। मेरे घुटनों में दर्द रहता था तो मैंने संधि सुधा यूज़ किया और इसके रिजल्ट्स चौंकाने वाले थे। मैंने तुरंत अपने दोस्तों को संधि सुधा के बारे में बताया। उसी दिन मुझे 6 ऑर्डर भी मिल गए और उससे दोगुनी खुशी इस बात की थी कि मैं पहले की तरह फिर से बिजी हो गया। दो दोस्त भी मेरी टीम में शामिल हो गए। मैं जोश और उमंग से भर गया, पुरानी फोन डायरी निकाली और सभी लोगों से एक एक करके मिलना शुरू कर दिया। बिजनेस ओनर से अब मैं 30,000 से 40,000 रुपए कमा लेता हूँ। मेरी बहू जो मुझे ओल्ड स्कूल समझती थी वो भी मेरी टीम में शामिल हो गई, और अपने ब्यूटी पार्लर से टीवीसी के सारे वेलनेस एंड ब्यूटी प्रोडक्ट्स बेचती है। रेखा जी, जब मैं कर सकता हूँ तो आप क्यों नहीं? बिजनेस ओनर जिंदगी बदल देता है। मेरी सलाह है, समय गंवाए बिना इसे शुरू करें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। भाई वाह, भाई वाह। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग किरीट जोशी जी के लिए जोरदार तालियां बजाएं। थैंक यू। बहुत खूब। जीवन में सफल होने के लिए पॉजिटिव सोचना और खुद पर भरोसा करना बेहद जरूरी है। आदमी की बड़ी सोच ही उसे बड़ा बनाती है, इसलिए अपनी इच्छाओं को दबाइएगा नहीं और उन्हें लिखिए। सपने वो नहीं होते जो सोते हुए आप देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। सभी को देखने चाहिए बहुत सारे सपने। खुद का एक सुंदर सा घर हो, लग्जरी गाड़ी हो, बच्चे अच्छे अच्छे स्कूल में पढ़ने जाएं, कोई होम लोन इंस्टॉलमेंट की चिंता ना हो, कोई कर्ज ना हो, बैंक में हो अच्छा क्रेडिट बैलेंस, और शॉपिंग के लिए कभी हिचकिचाना ना पड़े। साल में कम से कम एक दो बार दोस्तों के साथ छुट्टियां मनाएं और फैमिली के साथ फॉरेन टूर पर जाएं। आपके सपने कितने भी क्यों ना हो, अब पूरे हो सकते हैं बिजनेस ओनर के साथ। अब पैसों के अभाव में आपको जरूरी चीजें खरीदने के लिए कभी हिचकिचाना नहीं पड़ेगा। हजारों लोगों का जीवन बिजनेस ओनर से बदल चुका है। ये लोग जिनकी आमदनी 10,000 रुपए से भी कम थी, आज बिजनेस ओनर की मदद से हजारों
लाखों रुपए हर महीना कमा रहे हैं। पैसों और अपनी जरूरतों के लिए आज इन लोगों को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता। ये आत्मनिर्भर है और इनका परिवार आज जी रहा है एक खुशहाल जीवन। तो चलिए देखते हैं टीवीसी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में कैसे सिर्फ 5,000 रुपए की एक छोटी सी पूंजी से अपने घर से ही अपना खुद का व्यापार शुरू कर पाएंगे और कमा पाएंगे अपने काम और जरूरत के हिसाब से अच्छा हो उतना पैसा। यस यू कैन डू।